हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। ऑडिटिंग के अंदर या कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग सब्जेक्ट के अंदर आज जो हमारा फोकस है डैट इज़ ऑन द इन्वायरमेंट ऑडिटिंग। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मंडे तक मिल जाएंगे। और यहाँ पे ये जो टॉपिक है डैट इज़ ऑल्सो ए वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, इसी वजह से मैं इसको पहले जो है कवर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 70 के अंदर जो था इसका ओरिजिन है। और यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे 70 के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है पास हुआ था, और यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए 70 के अंदर थी। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो 1970 एक्ट है ये कहता है कि इन्वायरमेंट ऑडिट जो है ये देखता है कि व्हाट इज़ द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ हार्म और रिस्क टू द इन्वायरमेंट पोज्ड बाय इंडिविजुअल प्रोसेस और एक्टिविटी, वेस्ट, सब्सटेंस और नॉइज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, चाहे कोई भी हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं जिससे वेस्ट होता है या नॉइज़ होती है, तो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुँचता है, तो इन्वायरमेंट ऑडिट के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं असेस की जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो पोल्यूशन है किस तरह की है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, किस तरह की पोल्यूशन है और क्या इन्वायरमेंट को ये नुकसान देती है। और इंडिया के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑडिट था ये 92 के अंदर फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे था कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी कंजम्पशन को मिनिमाइज़ करने के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी, इसका जो फोकस था कि आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है ताकि वेस्ट जो है वहाँ पे जनरेट ना हो। इन्वायरमेंट ऑडिट की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो डाटा मेंटेन करती है उसको असेस किया जाता है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट ऑडिट है इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वायरमेंट को किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि ये लिमिटेड सोर्सेज को यूज़ करती हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, तो क्या उससे कोई इन्वायरमेंट को जो है नुकसान होता है। इन्वायरमेंट ऑडिट जो है ये भी रिकमेंड करें कि क्या मेजर्स जो हैं अडॉप्ट करने चाहिए ताकि जो आइडेंटिफाइड रिस्क है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है उसको हम मिनिमाइज जो है कर सकें। और इन्वायरमेंट ऑडिट जो है एक मैनेजमेंट टूल है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज जो होती हैं कवर होती हैं। इन्वायरमेंट ऑडिट जो होता है सिस्टमेटिक मीन होता है जो कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन टू द ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट और बहुत सारे रीज़न की वजह से क्या है कंडक्ट किया जाता है। इन्वायरमेंट ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो जो टेक्निकल व्यू है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ है, चाहे वो एग्जिस्टिंग है, चाहे वो फ्यूचर के अंदर हमने करनी है, या जो भी एक्टिविटी चल रही है उनका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट मैनेजमेंट के जो लेजिस्लेशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके साथ क्या कंप्लायंस है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को कवर नहीं किया जाता। तो ये एक टेक्निकल व्यू है। मैनेजमेंट व्यू होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है जिसके अंदर क्या है कि क्योंकि कल को रिपोर्टिंग करना होता है कि लेजिस्लेशन ने जो रूल्स लगाए हैं क्या उसको फॉलो होता है या नहीं है, तो मैनेजमेंट के अंदर जो है रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट व्यू है डेट इज़ कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑल द प्रोसीजर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डन टू मतलब जो लेजिस्लेशन के रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे ये टेक्निकल स्टैंड पॉइंट व्यू से एग्जामिन नहीं करता, ये सिर्फ उसका जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेप्स उठाए हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। इन्वायरमेंट ऑडिट के अंदर हम टेक्निकल व्यू देख चुके हैं, मैनेजमेंट व्यू देख चुके हैं। ड्यू डिलीजेंस वे का अर्थ होता है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल जो भी हमारी एक्टिविटी जो पोल्यूशन कंट्रोल करती है उसको जो हमने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो हमने मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी और किस तरह से हम रेमेडियल एक्शन ले सकते हैं, और ये एग्जिस्टिंग और फ्यूचर के अंदर जो लेजिस्लेशन लॉज हो सकते हैं उनको कंसिडर करता है। और यहाँ पे जब भी कंपनी मर्जर करती है या एक्विजिशन करती है तो उसके अंदर इन चीज़ों को जो है गहराई के साथ जो है असेस किया जाता है कि क्या इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए क्या लेजिस्लेशन है और किस तरह के इक्विपमेंट जो है हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट ऑडिट है इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। देखो यहाँ पर फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट कंट्रोल
ऑफ प्रैक्टिसेस विच मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस जिनका नुकसान हो सकता है उनको किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लॉज होते हैं उनके साथ हमारी क्या कंप्लायंस है, तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो यहाँ पे ऑडिट एक्टिविटीज़ की प्लानिंग की जाती है, ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी उसको डिफाइन किया जाता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी ऑफ द कंपनी है उसका रिव्यू किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट का असेस किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है और परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है, कहाँ पर इन्वायरमेंट के जो और बेटर पॉलिसीज हो सकती हैं वो देखा जाता है, और टॉप मैनेजमेंट को जो है रिपोर्ट की जाती है. अब हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंट ऑडिट है तो नेचुरली जो इन्वायरमेंट रेगुलेशन एक्ट है उनके साथ कंप्लायंस ज़रूरी है, और जो कंपनी की इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और गुड इन्वायरमेंटल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है अडॉप्ट करनी है. तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है, जब भी कोई नई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो वहाँ पर ये कंपल्सरी होता है कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है जाना चाहिए कि अगर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है तो इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्या डैमेजेस हो सकते हैं. तो ये इन्वायरमेंट ऑडिट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे हम इसको इन्वायरमेंट रिव्यू कहते हैं, क्योंकि अगर प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो है लगाया जाता है तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट जो होता है उसको मेयर कर जाते हैं. तो यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इन्वायरमेंट ऑडिट एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट. देखो, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक एंटीसिपेटरी टूल है, जो प्रोजेक्ट लगाने से पहले हम उसका इम्पैक्ट स्टडी करते हैं. इन्वायरमेंट ऑडिट जो होता है, जब हमने प्रोजेक्ट डिवेलप कर लिया, सेटअप कर लिया, तो उसका बाद में देखा जाता है कि इन्वायरमेंट को ये किस तरह से नुकसान पहुंचाता है. और उस तरह क्या है कि देखो, यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर एक्शन है उसका इम्पैक्ट देते हैं. ये देखते हैं कि उस पॉइंट के अंदर इन्वायरमेंट के ऊपर क्या काम चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग एट दैट पॉइंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. इन्वायरमेंट ऑडिट के अंदर हम देखते हैं किस तरह से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह से वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें असेस करता है. इन्वायरमेंट ऑडिट जो है ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए होता है, जब भी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है. लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, दैट इज़ कंसर्न विद द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. यहाँ पे जब भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम डिवेलप करना है तो उससे पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको मेयर किया जाता है. अब हम ब्रीफली देखते हैं कि इन्वायरमेंट कंप्लायंस ऑडिट आता है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, इन्वायरमेंटल फिनेंशियल ऑडिट होता है. तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली जो है स्टडी करते हैं. इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट जो होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी जो है उनको चेक करता है, अश्योरेंस देता है कि जो इन्वायरमेंटल लॉज जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है उसका पूरा कंप्लायंस है या नहीं है. इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उसको मीटअप करता है या नहीं करता है, और यहाँ पे एफिशिएंसी और इकोनॉमी के साथ इन्वायरमेंट के अंदर सही टेक्नोलॉजी यूज़ करता है कि नहीं, इन्वायरमेंट मतलब जो प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिजल्ट के जो हमने सोचा होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर हमने इतनी मतलब अभी इन्वायरमेंट को हमने नीट एंड क्लीन करना है, उसके अंदर पोल्यूशन नहीं स्प्रेड करनी, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव मीटअप हो रहा है या नहीं है. इन्वायरमेंटल फिनेंशियल ऑडिट जो है, जिसके अंदर ऑडिटर जो है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जो है उसने अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज किया है, वैल्यू किया है, रिपोर्ट किया है जितने भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट होते हैं, बेनिफिट है, एसेट एंड लाइबिलिटी कंटीजेंसी, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है रिपोर्ट की जाती हैं. इन्वायरमेंट ऑडिट प्रोसेस के अंदर देखो, प्री ऑडिट होता है जो कि प्लानिंग स्टेज होती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि इन्वायरमेंट ऑडिट जो है किस तरह का है, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से डाटा जो है कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे साइट जो है विजिट की जाएगी, ऑन साइट फील्ड डाटा के अंदर जो है साइट जो है वहाँ पे चेक किया जाएगा, फैसिलिटीज़ को चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, और यहाँ पे इनिशियली जो है फाइंडिंग डिवेलप की जाएंगी. पोस्ट ऑडिट के अंदर क्या है कि फाइनल एवेल्युएशन की जाती है, उसके बेसिस पे ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, और फाइनल रिपोर्ट जो है उसके बेसिस पे तैयार की जाती है. उसके बाद फॉलो अप एंड रिव्यू. और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इन्वायरमेंटल ऑडिट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. यहाँ पे ये देखना है कि जब हम प्रोजेक्ट को लगाते हैं
तो क्या उसके अंदर प्रॉपर मेयर्स लिए हैं कि हमने किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है, क्या वो इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि एनवायरनमेंट को हमने किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, फैक्ट्री के अंदर हाइजीनिक एंड क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, परफॉर्मेंस जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन बनाने की कोशिश करती है, और एनवायरनमेंटल लॉज एंड कॉर्पोरेट फैसिलिटीज़ जो है उस उनकी जो जो लेजिस्लेशंस के मुताबिक जो रूल्स के मुताबिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए क्या वो है या नहीं है, जो फंड्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ किया जाता है एनवायरमेंटल को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं, और क्या मेजर्स अडॉप्ट किए हैं ताकि एनवायरमेंट का डैमेज जो है मिनिमाइज़ हो जाए, और ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रिपेयर की जाती है। अब हम देखते हैं एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो समरी होती है वो जो मतलब जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होता है जिसके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस किया होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस ये कंटेंट है, लास्ट एनवायरमेंटल ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट की थी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, और जो इनपुट्स जो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है, और उसी तरह ऑडिट प्रोसीजर जिसके अंदर जो हैजर्डस जो डेंजरस वेस्ट डिस्पोजल पोल्यूशन जनरेशन सारी चीज़ें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो कि डेंजरस वेस्ट जनरेट करती हैं, वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, किस तरह से पोल्यूशन जनरेट होती है, किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, और ऑडिट फाइंडिंग क्या है, और किस तरह से रिकमेंडेशन दी जाती है ताकि जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं किस तरह से उनको हम और बेटर कर सकते हैं।